सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। अमरीका की न्यू जर्सी सैनेट के वलों नवंबर 1984 भारत हुई सिख नसलकुशी के खिलाफ मता पास किया गया। इस मते नूं मानता देने दे लई सिख जथेबंदियां ने भरपूर स्वागत किया है। यह मता सैनेटर स्टीफन एम स्वीनी द्वारा पेश किया गया सी अते निर्विरोध पास होया। सैनेट के एक हिंदू मैंबर माणयोग वेणुगोपाल ने भी इस हक के वोट पाई है। मते दे विच कहा गया है कि भारत दे विच सिख नसलकुशी 1 नवंबर 1984 नूं दिल्ली दे विच साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तो बाद शुरू हुई सी। इस दे विच अगे कहा गया है कि सिख नसलकुशी 3 दिन चली अते दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल ते महाराष्ट्र राज्यों दे विच 30,000 तो वध सिखां दा बेरहमी दे नाल कतल किया गया। सैनेट दे मते दे विच कहा गया है कि सिख भाईचारा जो पंजाब भारत दे विच पैदा होया सी अते 100 तो वध साल पहला अमरीका दे विच प्रवास करना शुरू किया सी, उन्होंने अमरीका अते न्यू जर्सी दे विकास दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अते सिख धर्म दा विश्व दे विच 5वां स्थान है। संयुक्त राज दे विच लगभग 10 लाख समेत लगभग 30 मिलियन अनुयायी वाला सब तो वड्डा धर्म अमरीकी सिख कॉक्स कमेटी, सिख कोआर्डीनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट अते AGPC दे वल्लों इस कदम की शलाघा की गई है। सिख संस्थावां ने मता पास करन दे लई सैनेटर स्टीफन एम स्वीनी अते सैनेट दे मैंबरां दा धन्नवाद किया है। सिख कॉक्स कमेटी दे यादविंदर सिंह, डॉक्टर प्रितपाल सिंह अते हरप्रीत सिंह ने स्टेट सैनेट दे वल्लों इस महान शांति मते नूं पास करन की शलाघा की है। सुजुगराज सिंह, सिख कॉक्स कमेटी के संचालन हरजिंदर सिंह अते सिख संगत ऑफ ईस्ट कोस्ट के सहयोग जुटाने लई अणथक यतन किए।